is Akshay Alla with Vlogs. I hope all doing good. So, आज हमारा कॉलेज जो है वो हमें विजिट पर लेकर जा रहा है, जो कि हम जाएंगे स्टेट काउंसिल. एक्चुअली आज जो मतलब जाना वाटर पार्क था पूरे कॉलेज को, पूरे नर्सिंग डिपार्टमेंट को, बट हमारी क्लास ने जाने के लिए मना कर दिया. एक सिंगल बच्चे ने भी मतलब हाँ नहीं बोला कि हम नहीं जा रहे हैं. तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर बीएससी एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर जीएनएम नर्सिंग डिपार्टमेंट जा रहा है वाटर पार्क, और हम जा रहे हैं फोर्थ ईयर्स आज विजिट पर स्टेट काउंसिल. तो अभी होते हैं कॉलेज के लिए तैयार और मिलते हैं आपको. बाय. तो कॉलेज जाकर आपको दिखाते हैं कि मतलब कहाँ जा रहे हैं. तो आज हम स्टेट काउंसिल जा रहे हैं, जहाँ पर मतलब नर्सेस का रजिस्ट्रेशन होता है, एंड इट आर फर्स्ट बैच जो कि वहाँ पर जा रहा है. सो दिखाते हैं आपको, तब तक बाय. पे हमारी क्लास के बच्चे हैं, ये हमारे जूनियर्स हैं, और आज हमें जाना है स्टेट काउंसिल विजिट के लिए. हाँ जी रिया जी, रिया कहाँ बैठी है? चीज़ वाले बस में थे.
और हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। आई एम बैक। मैं मतलब स्टेट काउंसिल के ऑफिस से आ गई हूँ वापस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूँगी रजिस्ट्रेशन होता क्या है। रजिस्ट्रेशन ये होता है जब आपकी फोर ईयर्स की डिग्री कंप्लीट हो गई है। अगर आप GNM कर रहे हो तो आपके 3 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। BSc नर्सिंग कर रहे हो तो आपके 4 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, तो रजिस्ट्रेशन आपकी स्टेट में होता है। रजिस्ट्रेशन स्टेट में या ऑल इंडिया में होता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको स्टेट में रजिस्ट्रेशन, मतलब आपको यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर कराना है कि मैंने डिग्री कर ली है और आप मेरे को अब यहाँ के हॉस्पिटल्स में अलाउ कर दीजिए कि मैं यहाँ पे वर्क कर सकूँ। तो वही है कि ये होता है हमारा रजिस्ट्रेशन। सो गाइज, जो आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन आपका दो तरीके से होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो रजिस्ट्रेशन आपका होगा वो होगा ऑनलाइन, देन सेकंड आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो होगा ऑफलाइन। सो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में आप घर से ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, एंड ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन में आपको, अगर आप उत्तराखंड के हैं तो जो ऑफिस मैंने आपको वीडियो में दिखाया आपको वहाँ जाना पड़ेगा। सो स्टेट रजिस्ट्रेशन हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप होता है। अगर आप फोर्थ ईयर स्टूडेंट, आपके एग्ज़ाम हो गए हैं, रिजल्ट आ गया है, तो आप फर्स्ट स्टेप आपका ये होगा कि आप अपने आप को रजिस्टर कराएं, ताकि आप किसी भी हॉस्पिटल में जो आपके स्टेट के हॉस्पिटल है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं उत्तराखंड से डिग्री कर रही हूँ, तो उत्तराखंड में अगर मैं अपने आप को रजिस्टर कराती हूँ तो रजिस्टर में आपको परमिशन मिल जाती है, आप उत्तराखंड के हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हो। वो स्टेट परमिशन होती है आपके स्टेट में जब रजिस्ट्रेशन हो रहा है। के बाद ऑनलाइन आता है। ऑनलाइन आप, मैं इसमें आपको साइट डाल दूंगी, उसमें आपको उन साइट पे जाना है, अपनी इंफॉर्मेशन, 10th 12th की मार्कशीट, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का रिजल्ट, फोर्थ ईयर का जो रिजल्ट है वो जो होता है वो फिल करना होता है, एंड कौन से कॉलेज से हुआ वो सब इंफॉर्मेशन फिल करनी होती है। मैं इसमें ऑनलाइन साइट्स के लिंक डाल दूंगी ताकि आप उन साइट्स पे जाके आप सर्च आउट कर सकें। देन आपका स्टेट जो है, स्टेट रजिस्ट्रेशन फर्स्ट है। जैसे जो उत्तराखंड का होगा वो हमारे कॉलेज वाले करा के देंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं अदर स्टेट से हूँ, जैसे मैं यहाँ पर, मैं आई एम फ्रॉम हरियाणा और मैं उत्तराखंड में पढ़ रही हूँ, तो उत्तराखंड वाले जो मतलब रजिस्ट्रेशन जो हो रहा है हमारा ऑफलाइन, वो आपकी सारी डिटेल्स आपके हरियाणा स्टेट में ट्रांसफ़र करते हैं कि इन्होंने इस कॉलेज से डिग्री कम्प्लीशन किया एंड ये रिजल्ट था एंड ये ऑल, वो आपको NOC देते हैं। फिर आप उत्तराखंड में एलिजिबल नहीं हो काम करने के लिए, आपकी रजिस्ट्रेशन हरियाणा स्टेट में हो जाएगी। सो हरियाणा स्टेट के जो रूल्स होंगे उसके लिए आपको, हर स्टेट के अलग रूल्स होते हैं तो वो आपको देखने पड़ेंगे। एंड आपको अगर जो स्टेट का जो रजिस्ट्रेशन करा रहे हो तो वो आपको 5 ईयर्स में आपको रिन्यू कराना होता है अपना, हर फाइव ईयर में आपको रिन्यू कराना होता है अपना रजिस्ट्रेशन का जो होता है आपका। स्टेट के बाद आप ऑल इंडिया रजिस्टर हो सकते हो, क्योंकि जब पर्टिकुलर स्टेट में हो गए हो वो तो हो गई, और ऑल इंडिया के लिए आपको स्टेट में रजिस्टर होना ज़रूरी है। तो ऑल इंडिया जो होता है जब आप उसमें रजिस्टर होते हो, जिसको NRTS बोलते हैं, हमारा NRTS के थ्रू जो होता है रजिस्ट्रेशन, उसके बाद आप पूरे इंडिया में किसी भी स्टेट में आपका जो है वो आप वर्क कर सकते हो। तो सेकंड हमारा ये था। और जो ऑल इंडिया का आपका लाइसेंस होता है उसमें आपको अपना रिन्यू नहीं कराना होता, जो लाइसेंस होता है 5 ईयर्स में वो रिन्यू नहीं कराना होता। एंड अगर आपको अपनी स्टेट में काम करना है तो आप स्टेट कराएं, अदरवाइज ऑल इंडिया के लिए तो आपको स्टेट का कराना ही ज़रूरी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपका स्टेट काउंसिल की रजिस्ट्रेशन का लिंक भी डाल दूंगी, एंड ऑल इंडिया NRTS के लिए भी आपका लिंक मैं डाल दूंगी। प्लीज़ गो एंड चेक आउट दैट अगर आपको रजिस्टर ऑनलाइन करनी है, एंड किस कोर्स की, ANM, GNM, BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, किस कोर्स की कितनी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है उसकी फ़ोटो मैं अभी डाल रही हूँ, एंड क्या टाइमिंग्स है फॉर उत्तराखंड स्टेट काउंसिल वो भी वीडियो के एंड में डाल रही हूँ। सो
गाइस, फर्स्ट रो में आपकी उत्तराखंड की जो फीस है रजिस्ट्रेशन की वो है, सेकंड में आपकी अदर स्टेट्स की हरियाणा, पंजाब, यूपी, महाराष्ट्र, उनके बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, पीएचडी नर्सिंग उनकी, सो आप चेकआउट कर सकते हैं यहाँ से। देन आपके जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर नीड होगी वो ये लिस्ट है उसकी। इसके साथ जो आपको कैरी करना है वो आपका एफिडेविट करना है, आपकी मार्कशीट करनी है, आपका बैंक ड्राफ्ट जो होता है वो कैरी करना है, एंड डिग्री कोर्स कंप्लीशन। आई होप यू लाइक द वीडियो।